नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। 30 जनवरी को उनकी यात्रा खत्म हो जानी है श्रीनगर में। केरल से कश्मीर तक राहुल की इस यात्रा को कांग्रेस ने बताया था कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को गढ़ने की योजना बनाती कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है 21 राजनीतिक दलों को। इसमें वो सब दल हैं लेकिन कांग्रेस के प्रतिद्वंदी दल कुछ नहीं है। उसमें केसीआर नहीं है, उसमें आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को अछूत बना दिया गया है, पंजाब के शिरोमणि अकाली दल को अछूत बना दिया गया है और असउद्दीन ओवैसी को अछूत बनाया गया है, क्योंकि असउद्दीन ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण के पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चेतावनी हैं और कांग्रेस के लिए भी। केसीआर और जगन मोहन रेड्डी अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के लिए चेतावनी हैं। दिल्ली में केजरीवाल हैं और केजरीवाल को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां पसंद नहीं करती। केजरी भी दूसरों को नहीं पसंद करते। केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में अब राष्ट्रवाद का तड़का लग गया है, इसीलिए केजरी तिरंगा की बात करते हैं, केजरी कुछ कुछ वो बात करते हैं जो मोदी करते हैं, इसीलिए केजरी को भी इन सब के साथ नहीं आना है। लेकिन जिन 21 पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है उसमें से कौन कौन आएंगे श्रीनगर में, उसी दिन पता चल जाएगा कि राहुल रिफॉर्म योजना कांग्रेस की फुस हुई, हवा निकल गई या कुछ हद तक सफल हो गई। राहुल गांधी के लिए इस निमंत्रण में जो जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें तेजस्वी यादव हैं, उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें मायावती हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं, उसमें स्टालिन हैं, डी राजा हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला बाप बेटे हैं। तो कश्मीर में 370 के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम का भी इससे पता चलता है, और ये पता चलता है कि क्या कांग्रेस की अगुवाई मेरी सरकार आएगी तो 370 का खात्मा हो जाएगा। सबसे अहम ये कि राहुल गांधी केरल से जब निकले कश्मीर पहुंचने के क्रम में तो किन किन राज्यों को छुआ है? उन राज्यों को नहीं छुआ जिन राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप मौजूद हैं और जिन्होंने कांग्रेस के वोट को ही निगल लिया है। वो केरल में हैं जहां वामपंथी पार्टी है, वहां उनके प्रतिद्वंदी हैं वो, इसीलिए केरल में उनका लंबा सफर हुआ और उस समय केरल के मुख्यमंत्री ने इस पे आपत्ति भी दर्ज की थी कि राहुल लड़ाई बीजेपी से लड़ रहे हैं या हमसे लड़ रहे हैं। राहुल किन किन राज्यों में नहीं गए? राहुल गुजरात को छू करके निकल गए जहां उनके मूल प्रतिद्वंदी बीजेपी थी। राहुल हिमाचल प्रदेश में भी नहीं गए, लगभग नहीं गए, क्योंकि राहुल को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि हिमाचल में कांग्रेस जीत जाएगी। तो राहुल ने बिहार को नहीं छुआ, क्या बिहार भारत में नहीं है? राहुल ने उड़ीसा को नहीं छुआ। राहुल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 80 सांसद हैं, 403 MLA हैं, उस राज्य को चुपके से मुस्लिम बहुल इलाके से होते हुए निकल गए। राहुल महाराष्ट्र में भी नहीं, में भी बिल्कुल साइड से निकल गए। अब ये चीजें जरा गौर से समझिएगा तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने बैर मोल लेना उन सबसे नहीं समझा जिन जिन क्षेत्रीय छत्रपों का अपना वजूद है अतीत में, जिसने राहुल के कांग्रेस की वोट काट ली है, कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। तो राहुल ने खुश कर दिया तेजस्वी यादव को भी, क्योंकि बिहार वहां जोड़ना, देश को वहां जोड़ना नहीं था। राहुल ने खुश कर दिया अखिलेश और मायावती को भी कि हम तुम्हारा वोट भी नहीं ले रहे। अब राहुल ने इन सबके साथ साथ शरद यादव को भी खुश कर दिया, उद्धव ठाकरे को भी खुश कर दिया, वामपंथी सीताराम येचुरी को भी, डी राजा को भी, महबूबा मुफ्ती को भी। अब सवाल यह है कि राहुल इन सबको खुश कर गए, उनके वोट को छूने नहीं गए, तो क्या ये सब राहुल को अपना नेता मान लेंगे?
अब जिन्हें किस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी ने 30 तारीख को निमंत्रण दिया है अपने खड़ाओं के माध्यम से, जी हां खड़ाओं मैं नहीं कह रहा, मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी जिनके कंधे पर रोती थी बाटला हाउस के आतंकवादियों के मारे जाने पर, उस सलमान खुर्शीद ने कहा था कि वो तो खड़ाओं हैं, सत्ता तो राहुल गांधी को सौंपी जानी है। तो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को कहा जा रहा था ये पॉलिटिकल नहीं है, वो घोर पॉलिटिकल साबित हुआ। ये पूरी तरह से राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए सोनिया प्रयोग परियोजना थी, ये अब साफ दिखने लगा। तो क्या राहुल गांधी के रिफॉर्म के लिए सोनिया प्रयोग परियोजना पर नीतीश वहां मोहर लगा देंगे, लालू मोहर लगा देंगे, क्या मुलायम पुत्र मोहर लगा देंगे, क्या मायावती उनके साथ हो जाएंगी, क्या उन भ्रष्ट नेताओं को डर भी नहीं लगता, या डर लगता भी है तो क्या अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी उनको दे देंगे, क्या राहुल को अपना नेता मान लेंगे। राहुल को यदि ये नेता मान लेते हैं तो मोदी के पास जो हथियार है वो और मजबूत हो जाएगा। राहुल विपक्ष के जितने बड़े नेता बनेंगे मोदी के लिए उतना आसान होगा। अक्सर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखते होंगे वो सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं, और विपक्ष राहुल गांधी जैसे नेता को यदि अपना नेता मान ले तो मोदी के लिए कितना आसान हो जाएगा। फिर जो राहुल मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं, जो राहुल हिंदुत्व का आवरण ओढ़ते हैं तब भी विदूषक बन जाते हैं, अपने आप को तपस्वी साबित करने के मामले में जिस तरह से वो बोल जाते हैं, ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, रियलिटी इस देश की है। उनको ज्ञान नहीं है, धर्माधर्म का ज्ञान नहीं है, वो धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म किसको कहा जाता है? धारयन्ति धर्म, धर्म के बारे में वो बोलने वाले कौन होते हैं? जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण हो जाता है क्या, या टीका लगा लेने से पंडित हो जाता है क्या? ये परंपराओं का देश है, ये तिलक लगाने वालों का देश है, ये पूजा पाठ धर्म संस्कृति व्रत त्योहार इनका देश है। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? केवल और केवल जनेऊ पहनकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि बयान कुछ भी दे मगर इस तरह का बयान मत दे जो नफरत का प्रचार प्रसार के साथ प्रश्न चिन्ह लगा दे आपके विचार और आपके सोचने पर। प्रयागवाल सभा ये घोषित करता है कि उनका बही से ही नाम काट देंगे हम लोग, ना उनका नाम रहेगा ना उनका तीर्थ पुरोहित कोई कर्म कराएगा। उन्हें पहले तो सनातन धर्म को जानने की जरूरत है, उसको जाने, सारे वेद पुराण उसको अध्ययन करें, जितना अध्ययन यही करते हैं। आज वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये बयान देकर के भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी, हमेशा हिंदुओं के विरोध में, सनातन संस्कृतियों के विपक्ष में रही और इनका विरोध किया, ये आपने अपनी मानसिकता का उजागर किया। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी शर्म करो। जी वो पुजारी नहीं है तो फिर वो किस पर हमला कर रहे हैं? फिर मंदिरों में वो जा करके ऐसी ऐसी तस्वीरें क्यों पेश कर रहे हैं? ये दिखाता है कि राहुल रिफॉर्म करने की योजना में कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है। अब ये गैर राजनीतिक यात्रा साफ तौर पे राजनीतिक हो गई। तो जितना ये राजनीतिक हो रही है, ममता बनर्जी अलग राजनीति खेल रही है। गंगा सागर, ममता ने कह दिया है कि काशी की अहमियत तो है, पूरे देश को काशी से जोड़ने की कोशिश तो की जाती है, हवाई यात्रा से, ट्रेन से, बसों से, लेकिन गंगा सागर नहीं। अब कहा जाता है कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर को भी ममता बंगाल और हिंदुत्व से जोड़ रही है। दरअसल ममता जानती है कि अब मुद्दा वहीं अटक गया है, तो ममता को तुष्टीकरण का वोट भी चाहिए और हिंदुत्व वोट भी। तो क्या ये ममता बंगाल में कांग्रेस को पैर पसारने देगी? क्या ये ममता राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगी? क्या जिस नीतीश कुमार को नेता बनाने का सपना देखकर लालू
अपने बेटे को बिहार की सत्ता सौंपना चाहते हैं वो लालू राहुल को नेता मान लेंगे। 30 तारीख ही क्यों तय हुआ, इस बाजीगरी को भी समझना होगा। बेरोजगारी, भारत छोड़ो, महंगाई, भारत जोड़ो और महंगाई, ये राहुल का मूल मुद्दा रहा है। ये हर मुद्दे फुस होते नजर आए हैं। ऐसे में 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, इस 30 जनवरी को खास मकसद से राहुल के लिए तैयार किया गया है। तो 30 जनवरी को श्रीनगर में कैसा जमघट लगता है, क्या इस भारत जोड़ो अभियान का हवा की हवा निकल जाएगी, लोग ये कहने लगेंगे कि क्या भारत टूटा हुआ है जो राहुल जोड़ने निकले, जिस भारत को इससे पहले, आज से 75 साल पहले सरदार जोड़ चुके हैं, सरदार पटेल जोड़ चुके हैं, वो राहुल उस भारत को जोड़ने निकले जिसके परनाना ने भारत को तुड़वा दिया। राहुल क्या कांग्रेस की अतीत के पाप को पर कारपेट बिछाना चाहते हैं? लेकिन राहुल कुछ भी कर लें, राहुल जितना हिंदू बनते जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना उनके ऊपर का नकाब उतरता जा रहा है। सवाल अहम ये है, क्या इस राहुल को विपक्ष नेता मान लेगी? अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण देकर दरअसल कांग्रेस खुद फंस गई है। यदि निमंत्रण नहीं देती तो ये लगता कि चलो ये उनकी भारत जोड़ो अभियान थी, क्योंकि पूरे भारत जोड़ो अभियान के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके साथ कंधे से कंधे नहीं मिलाया। ऐसे में इस आयोजन के खात्मे के बाद 21 पॉलिटिकल पार्टियों को ये निमंत्रण, कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है। यदि अब इसमें दिलचस्प देखना यह है कि इसमें हिस्सेदारी किसकी होती है, और यदि कश्मीर के नेताओं को छोड़कर जाता ने इसमें आने से मना ही कर दी तो समझिए कि इस सोनिया की राहुल प्रयोग परियोजना की क्या स्थिति होगी। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा के सफर में सैकड़ों करोड़ फूंक देने की का परिणाम क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।